रेणुका जी पाउंडा रोड पर पिकअप एक्सीडेंट में उत्तराखंड के दर्जन भर लोग घायल। मानल गांव के समीप हुई पिकअप दुर्घटना में घायल हुए लोगों में से पांच की हालत गंभीर। रेणुका जी में दर्शन अथवा घूमने फिरने के बाद अपने घर लौट रहे थे विकास नगर के आसपास के हादसे की चपेट में आए लोग। सिरमौर जिला के विभिन्न हिस्सों में पिछले करीब दो साल से लगातार बढ़ रही है पड़ोसी राज्यों से पिकअप और ट्रैक्टर जैसे वाहनों में आने वाले लोगों की संख्या। प्रमुख आस्था स्थल रेणुका जी में घूमने फिरने अथवा दर्शनों के बाद गुड्स कैरियर वाहन पिकअप से अपने घर लौट रहे उत्तराखंड के विकास नगर बिंदौली व नवाबगढ़ के 13 लोग पांवटा के मानल गाँव के समीप हादसे की चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार पिकअप पलटने से घायल हुए लोगों में राजपाल अमन, पप्पू धीमान, विक्रम व अंजलि की हालत गंभीर है और सिविल हॉस्पिटल पांवटा साहिब से इन्हें हायर मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए रेफर किया गया है। रविवार सायं करीब 5 बजे घायलों को हॉस्पिटल लाए जाने पर स्टाफ की कमी व संडे के चलते अफरा तफरी का माहौल देखा गया और डॉक्टर तुषार द्वारा गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को फर्स्ट एड के बाद रेफर किया गया। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा उत्तराखंड व पंजाब आदि से पिछले करीब 2 साल में एक बार फिर इलाके में पिकअप कैंटर व ट्रैक्टर जैसे गुड्स कैरियर वाहनों में गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के लोग दर्जनों की संख्या में मंदिरों में दर्शन व घूमने फिरने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में मैदानी इलाकों के ड्राइवर को तंग सड़कों पर ड्राइविंग की आदत न होने के चलते लगातार हादसे का अंदेशा बना रहता है। कोरोना काल में पुलिस प्रशासन व सरकार की सख्ती के चलते भारवाहक वाहनों में इस तरह की यात्राएं बंद हो चुकी थी, मगर गत वर्ष एक बार फिर लोग ऐसे वाहनों में पहुँच रहे हैं।